यूजुअली जो कोडर्स होते हैं ना, वो एक काम करते हैं, वो क्या काम करते हैं, जो स्क्रीन उनके सामने इस तरीके से वाइट नजर आ रही होती है ना, वो इसको ब्लैक करना चाहते हैं या डार्क टोन में रखना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो आंखें हैं इनकी हिफाजत करने के लिए. सो आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा ये स्क्रीन को डार्क टोन में या डार्क फैशन में ले जाए, ताकि आपकी आंखें सेव रहें, वरना ये बहुत ज्यादा मसला क्रिएट करती हैं. यहाँ पे आपने टूल्स में जाना है, ऊपर ग्लोबल ऑप्शन में आ जाना है. टूल्स में जाके ग्लोबल ऑप्शंस में, मैं अगेन आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से. ये टूल्स है, ग्लोबल ऑप्शंस है. यहाँ पे जाने के बाद अपीयरेंस में आपने जाना है, यू विल सी मैनी थिंग्स. कंसोल में आपने जाना है, यहाँ पे भी काफ़ी कुछ है. कोड में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, यू विल सी मैनी थिंग्स गोइंग ऑन हेयर. ठीक है, अब यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे कि किस तरीके से हम इसकी अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं. और यहाँ पे अगर आप चेक करें, ये थीम है, ठीक है, ये मॉडर्न थीम है, ये स्काई थीम है. तो जैसे आप थीम को चेंज करेंगे, इट विल कम लाइक दिस. यहाँ पे एडिटर का फाउंट आ गया, टेक्स्ट आ गया ट्रेंडिंग, और यहाँ पे थीम्स आ गई, ये वाली थीम्स. ठीक है, डिफॉल्ट है, एम्बियंस कर लें आप, केओस करना है वो कर लें, क्रोम की थीम करनी वो कर लें, क्लाउड्स करनी वो, क्लाउड्स मिडनाइट करनी वो, मुझे कोबाल्ट की पसंद है. ठीक है, कोबाल्ट जो है मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, लेकिन आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सी टोन यहाँ से ज़्यादा अच्छी लगती है. यू कैन एक्चुअली फिक्स दैट. और ये टोन का मकसद है कोई, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ. जब आप किसी भी एक यहाँ पे देख रहे हैं कलर चेंज हो रहा है, साथ में कलर्स के साथ साथ आप ये इसके अंदर भी कलर्स देख रहे हैं, ये चेंज हो रहा है, जो ब्लैक एंड वाइट नहीं, ये इसके अंदर भी. सो यूजुअली इसको वेरिएबल बोला जाता है, और बाकी फंक्शंस या कोई भी चीज़ें उनका सेपरेट कलर होगा वेन एवर यू चूज वन टोन. तो कोबाल्ट मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि इसके अंदर ये वाली चीज़ें सेपरेट कलर में, ये वाली सेपरेट, और ये तीनों में डिफरेंस अच्छा खासा आपको नजर आ जाता है. इट्स टोटली अप टू यू आप कैसे रखना चाहते हैं. अगर आप फॉन्ट साइज यहाँ से 12 रखना चाहते हैं, यू कैन डू दैट. तो 11 भी सही है, मैं 12 इसको कर लेता होता हूँ, क्योंकि 12 जो है वो विजुअली आपको नजर आ जाता है हर स्क्रीन पे. हेल्प पैलन फैनल का फॉन्ट साइज ये भी मैं 12 रख देता हूँ. एंड देन इफ यू गो डाउन, आप इसको अप्लाई करेंगे एंड हियर यू गो. ठीक है, आपने फौरन से रिएक्शन चेक किया होगा अपनी स्क्रीन के ऊपर, आपकी आंखों को थोड़ा सुकून मिलता है जब आप डार्क मोड में चले जाते हैं. ठीक है, और अगर आपको नहीं यकीन, ट्राई करके देखिएगा. विंडो आपने टोटल ब्राइटनेस पे ओपन कर लेनी है, फिर उसको डार्क मोड में चेंज कीजिएगा अपनी पूरी विंडोज को. यू विल सी द चेंज इन आर स्टूडियो. ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन चेंज आर लाइक दिस. और ये आर स्टूडियो अब आपके पास कुछ इस तरीके से आ गया. ठीक है, अब यहाँ पे आप टूल्स में जाके इसको दोबारा से कभी चेंज करना पड़े तो आप यहीं से कर सकते हैं. ठीक है, ऑफकोर्स ये वाली जो विंडो है ये आपके थीम के ऊपर डिपेंड करती है. अगर विंडो ही पूरी थीम डार्क में है तो आप इस तरीके से इसको देख पाएंगे. यहाँ तक क्लियर हो गया जी आपको कि किस तरीके से आपने विंडोज की जो थीम है उसे चेंज करना है और डार्क मोड में रखनी है. राइट,